आज के मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। स्कूल के पास वाले अपार्टमेंट में सीढ़ियों पे रेंगते दिखा जहरीला सांप। सेकंड हैंड मेड यूज करने से नॉक हुए प्लेयर्स को टीममेट्स ने रिवाइव देने से कड़ा इनकार। वाह मोदी जी वाह वाह। तो गाइस ये रहा मेरा कल का वीडियो जिसमें मैं गिव अवे रखा था, उसका विनर इस ये है जिसका नाम है कौशिक कुंडू। मैं बोला था जो टॉप कमेंट में पहुंचेगा उसको मैं गिव अवे करने वाला, तो इसका ये बंदा हो गया हम लोग का कल का वीडियो का गिव अवे का विनर। तो यार कांग्रेचुलेशन भाई, तुमको मैं डायमंड टॉप अप कर दूंगा, ऑलरेडी कर चुका हूं। तुमको मिला या फिर नहीं मिला मुझे इंस्टा डिस्कॉर्ड या फिर फेसबुक में कॉन्टैक्ट करके जरूर बताना। सारे के सारे सोशल मीडिया साइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तुमको मिला या फिर नहीं मिला कमेंट कर देना। और गाइस जो भी वीडियो को देख रहे हो आप भी जीत सकते हो फ्री में डायमंड। तो गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना को भी नहीं पता, जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं उनको नहीं पता, मैं बता देता हूं। मेरे चैनल में हर एक दिन गिव अवे होती रहती है सुबह वाली वीडियो पे, जिसका मैं विनर एक दिन बाद अनाउंस करता हूं। तो अगर आपको भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो के बीच में या फिर एंड में मैं बताऊंगा वीडियो का गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो सबके साथ वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं फ्री फायर का बैन के ऊपर, क्योंकि भाई पबजी बैन हो चुका है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रही, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो बन रही, कुछ कुछ न्यूज चैनल में भी आ रही कि फ्री फायर इसके बाद बैन होने वाला है। टिकटॉक पबजी के बाद भी फ्री फायर बैन होने वाला है, क्या ये रियल न्यूज है या फिर फेक न्यूज है, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कुछ इवेंट्स आने वाले गरीना फ्री फायर में जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यार फ्री फायर इंडिया में बैन होगा या फिर बैन नहीं होगा मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल्स कवर करूंगा। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखो बिना कोई स्किप किए। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे एक मतलब न्यूज चैनल बंगाली न्यूज चैनल का मतलब मेरे पास एक पिक आई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीनशॉट, जिसमें लिखा हुआ है फ्री फायर अगले 3 दिन के अंदर बैन होने वाली है, जिस न्यूज चैनल का नाम है CNBC लाइव। ठीक है, ये न्यूज चैनल बहुत ही ट्रस्टेड न्यूज चैनल है, इसमें भी अच्छा न्यूज देते हैं। लेकिन जब मेरे पास ये आया ना मैं तो डर ही गया था कि यार अगर फ्री फायर बैन होता है तो हम लोग कौन सा गेम खेलेंगे, क्योंकि फ्री फायर का सारा एडिक्टेड गेम अभी कुछ और है नहीं, क्योंकि फ्री फायर खेलते खेलते हम लोग का मन आ चुका था, इसमें हम लोग बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किए। अगर फ्री फायर बैन हो गया हम लोग कौन सा गेम खेलेंगे यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। उसके बाद मैं रिसर्च करना पूरा का पूरा स्टार्ट किया हूं, पूरा का पूरा रिसर्च किया हूं, 3-4 दिन लगा मुझे पूरा का पूरा मतलब सब कुछ पता करने में। तो उससे पता चले कि फ्री फायर ये जो न्यूज़ है ना ये बिल्कुल ही घटिया न्यूज़ है, ये एकदम बिल्कुल भी सच न्यूज़ नहीं है, ये फोटोशॉप से एडिट किया हुआ न्यूज़ है। क्योंकि मैं CNBC का जिस रीज़न वो मुझे भेजा था इस न्यूज़ को, मैं उस दिन से आज तक मतलब 4 दिन हुआ, ये 4 दिन से मैं पूरा अपना CNBC न्यूज़ का जो रिपीट टेलीकास्ट होता है मैं ऑनलाइन जाकर पूरा का पूरा चेक किया। चेक करने के बाद मुझे पता चला ये पूरा का पूरा जो है फेक न्यूज़ है, उस मतलब उस चैनल में अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ आया ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये फेक न्यूज़ होगा पहला बात, फ्री फायर बैन नहीं होगा ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, सब कोई बोल रहा है पबजी तो 10% अपना जो है शेयर देता है टेंसेंट कंपनी को, और टेंसेंट कंपनी क्या है, टेंसेंट कंपनी चाइना की एक कंपनी है, चाइना के साथ इंडिया का लड़ाई हो रहा है इसलिए चाइना के सारे ऐप बैन हो रहे हैं, लाइक टिकटॉक बैन हुआ, उसके साथ 46 अदर ऐप भी बैन हुआ, एंड साथ ही साथ पबजी भी बैन हुआ, और साथ साथ 150 अदर ऐप बैन हुआ। ठीक है ना, इस तरीके से सब कोई सोच रहा है अभी फ्री फायर का ही बारी आएगा, क्योंकि फ्री फायर भी टेंसेंट को शेयर देता है, पबजी तो 10% देता है, फ्री फायर 40% शेयर देता है जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, तो यार इसलिए सबको ही बोल रहा है कि यार फ्री फायर बैन हो सकता है। तो गाइस मैं बता दूं पबजी का बैन होने का रीज़न शेयर बिल्कुल भी नहीं था, पबजी का बैन होने का रीज़न था पबजी जो डेवलप हुआ है वो टेंसेंट में ही हुआ है, मतलब चाइना और ब्लू व्हेल कंपनी दोनों मिलकर पबजी को डेवलप किया है। तो इसीलिए जो लोग पबजी खेलते थे ना उनका सारा का सारा जितना भी डेटा है ना उनका डेटा टेंसेंट के पास भी जा रहा था, और आप सभी को पता टेंसेंट चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग कंपनी है, डेवलपर कंपनी है, तो यार उसके साथ चाइना का कुछ ना कुछ तो लिंक है, मतलब अपना वहाँ का कंपनी है तो चाइना को तो कुछ बताएगा ही। तो सारे के सारे न्यूज जा रही थी, सारे के सारे जो डेटा था अपना मतलब हम लोग इंडियंस का जब जो लोग पबजी खेलते था वो सारे के सारे डेटा उनके पास जा रही थी। तो यार सिक्योरिटी जो अपना जो देश का जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए पबजी को बैन किया गया, लेकिन फ्री फायर का ऐसा कुछ नहीं है, फ्री फायर का बस शेयर ही जाता है टेंसेंट को। फ्री फायर चाइना में डेवलप नहीं हुआ है, फ्री फायर गरीना में डेवलप हुआ है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट गरीना में ही हुआ है, और गरीना एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, चाइना के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, बस शेयर जाता है टेंसेंट को। तो इसलिए तो अब सिक्योरिटी का कोई फर्क है मतलब कोई मतलब सवाल ही नहीं आता। इसीलिए क्या होगा कि गरीना फ्री फायर अभी तो बैन नहीं होगा, 1 महीने तक तो बैन होने का इसका चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, आगे अगर कुछ और रीज़न की वजह से गरीना फ्री फायर को बैन कर देता मतलब मोदी सरकार या फिर हम लोग का देश का सरकार, तो आप लोग कौन सा गेम खेलना चाहोगे मेरे साथ आप लोग जरूर जरूर बताना। बट भाई मैं मुझे पता है मतलब बैन नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बैकअप तो रखनी चाहिए ना भाई, मैं अभी क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना भी स्टार्ट कर दिया हूँ, एंड साथ ही साथ माइनक्राफ्ट भी खेलना स्टार्ट कर दिया, आप लोग सजेस्ट करना कमेंट में कौन सा गेम अभी हम लोग को खेलना चाहिए। ठीक है, तो यार अभी तो बैन होने का चांसेस
चांसेस बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको रीजन भी बता दिया, शेयर जा रही है, कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ कि हम लोगों का जो हम लोग फ्री फायर प्लेयर इंडिया का उनका डेटा उनके पास जाएगा। और एक बात गाइस, और एक जो लास्ट पॉइंट है फ्री फायर का, आपको पता है फ्री फायर का जो इंडियन सर्वर में, इसमें सिर्फ इंडिया का प्लेयर्स नहीं खेलता, नेपाल और बांग्लादेश का प्लेयर भी खेलते हैं। तो गाइस इसको भी ध्यान में रखते हुए फ्री फायर का बैन होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई लोग आपको समझ आ गया कि फ्री फायर क्यों बैन नहीं होगा इंडिया में, और जिसको समझ नहीं आया आप लोग कमेंट करो, और फिर भी जो लोग समझना नहीं चाहते जाके पोगो देखो, जाओ पोगो देखो। और ठीक है, तो यही तक थी फ्री फायर बैन की न्यूज़। अभी हम लोग बाहर बढ़ते फ्री फायर में आने वाले नेक्स्ट वीपन रॉयल के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा हम लोग का फ्री फायर का, आज ही वीपन रॉयल चेंज होने वाला है आज रात को। एंड इसमें हम लोग को कौन सा वाला वीपन रॉयल देखने को मिलेगा, P90 की स्किन, जो कि बहुत से होने वाली मनी वाली P90 की स्किन। इसका रेट ऑफ फायर डबल होने वाली, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आज ही आएगा। इसके लिए कौन कौन डायमंड वीपन रॉयल में स्पिन करूँगा आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, ठीक है ना। तो बस यही तक पूरी की पूरी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मार देना, अगर सब अपने तरफ से ईमानदारी से एक लाइक मार देना है। लाइक मारना बिल्कुल ही फ्री है और लाइक मारने से कोई भी पैसा नहीं लगता, तो सबके सब अपने तरफ से एक लाइक मार देना। अभी हम लोग बात करते हैं गिव अवे, आज का गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप पे चैनल को सब्सक्राइब मारना होगा, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा सब्सक्राइब मारना, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको फोड़ दो, एंड पास में जो घंटा है उसको दबा के उसको ऑल पे सेट कर दो। और सेकंड जो स्टेप है, आप अपना UID कमेंट करो, यहाँ ऐसे लिख के UID, उसके बाद स्पेस दे के अपना UID जो फ्री फायर का UID है वो कमेंट करो। ये होगी सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप, जो टॉप कमेंट पहुंचेगा मैं उसको गिव अवे करूंगा। और टॉप कमेंट आपको कैसे पहुंचना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा का पूरा देखना होगा, एकदम वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक देखना होगा। और वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे आपको टॉप कमेंट में पहुंचने का चांसेस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सबके सब वीडियो को शेयर करो एंड टॉप कमेंट में पहुंच जाओ, ठीक है, तभी जाकर आपको गिव अवे जीत सकते हो और आपको फ्री में डायमंड्स मिल सकती है। तो गाइस आई थिंक हम लोग समझ गए गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। एंड अभी के लिए बाय गाइस, सी यू, टेक केयर, एंड सभी को स्टे ट्यून्ड रहना। एंड सबसे बड़ी बात गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।